हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके नोटिफिकेशन जो है नोटिफिकेशन बार ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसकी साइज़ ज़्यादा हो गई है तो दिखता नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे कोने कट रहे हैं और दिख नहीं रहा है, तो इसको कैसे फिक्स करेंगे दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आपको यहाँ पर टाइप करना है नोटिफिकेशन। चलिए नोटिफिकेशन, सॉरी फ्रेंड, नोटिफिकेशन इसमें आपको नहीं जाना है, बैक कर दीजिए। आपको टाइप करना है, एक मिनट इसको बैक कर देता हूँ। आपको एसेसिबिलिटी में जाना है दोस्तों, यहाँ पे MI सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन आपको एसेसिबिलिटी में जाना है दोस्तों। ये रेडमी के मोबाइल में मैं कर रहा हूँ, आप किसी भी करेंगे तो आपको एसेसिबिलिटी में जाना है। और दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा नीचे डिस्प्ले साइज का, आपको डिस्प्ले साइज पे जाना है। मैग्निफिकेशन देख लीजिए आपका ऑफ है, अगर ऑन है तो इसे ऑफ कर दीजिए। आपको डिस्प्ले साइज में जाना है, यहाँ पे सब पूरी सेटिंग आप देख लीजिए। आपको आपका ऑप्शन नीचे भी हो सकता है, मेरे में ऊपर है, तो आपको डिस्प्ले साइज में जाना है। यहाँ पे S है, इसका मतलब स्मॉल है। आपको इसको थोड़ा और भी कम कर दीजिए, इसको बैक कर दीजिए, एक्स्ट्रा स्मॉल कर दीजिए। और इसके बाद सबसे ऊपर जो टिक का मार्क है उसको सेलेक्ट कर दीजिए, टिक पे, तो उसको कर देंगे तो आपका देखिए पूरी फुल स्क्रीन में आपका यूज़ होने लगा है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान था इसे करना। तो आप यहाँ से डिस्प्ले करके आप इसको साइज बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, जैसा आप रखना चाहें फॉन्ट का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, हमारे चैनल पे दोस्तों पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी टेक्निकल वीडियो में अगली। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।